लखनऊ कानपुर अपना और ये नोएडा वगैरह वो स्मार्ट कह सकते हैं, मगर हमारा बरेली जो स्मार्ट है वो है नहीं। अगर हम कहते हैं ये भाई हमारे स्मार्ट है मगर ये है नहीं। बरेली का झुमका, बरेली का सुरमा, बरेली के बांस और अब ये बरेली का वो तिराहा जो बरेली की सीमा रेखा है, सरहद है, जहां पर ये झुमका बनाया है। झुमके से बरेली की पहचान है, लेकिन अब बरेली स्मार्ट सिटी होने जा रही है। बरेली का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट में है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि बरेली के लोगों से, ये कॉलेज के बच्चे जो यहां पर अभी फिलहाल अपने इंस्टीट्यूट और इधर उधर जाने की तैयारियों में लगे हैं, इसी झुमका तिराहे पे मिल गए। अब इनसे हम बात करते हैं कि नाम क्या आपका? मेरा नाम आसिम नूरी है। आसिम नूरी। आसिम नूरी, तो आसिम भाई ये अब तो स्मार्ट सिटी बन रहा है बरेली, क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए सर, बरेली स्मार्ट सिटी बनना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी के नाम से कुछ तो अभी काम चालू हुआ नहीं है। ठीक है सर, और बन जाएगा अच्छी बात है, बस अभी तो लिस्ट में ही नाम है बस। और स्मार्ट जो है सड़कों से होता है और जो है उसका होना चाहिए, सड़कें वगैरह अच्छी होना चाहिए इस वजह से। और आपका पूरा नाम क्या है? विशाल यादव। विशाल भाई ने बताया, नूरी भाई ने, कि स्मार्ट सिटी में तो अभी सिर्फ नाम ही नाम है। इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, ये नाम ही नाम है, ऐसा कुछ दिखा नहीं जमीनी स्तर पे कि कह सके कि हाँ हमारा शहर स्मार्ट हो गया है। और शहर से कंपेयर करें लखनऊ कानपुर अपना और ये नोएडा वगैरह वो स्मार्ट कह सकते हैं, मगर हमारा बरेली जो स्मार्ट है वो है नहीं। अगर हम कहते हैं ये भाई हमारे स्मार्ट है मगर ये है नहीं, तो क्या हो तो आपको लगे कि हाँ स्मार्ट हो गया? नहीं तो इसमें क्या, सड़कें होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए सबके लिए, ऐसा नहीं एक के लिए, सबके लिए। सिटी बसें वगैरह होनी चाहिए और पार्क वगैरह होने चाहिए लोगों के लिए। वो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, जैसे लखनऊ में बड़े बड़े पार्क हैं, यहाँ एक भी पार्क ऐसा नहीं है कि इंसान सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सके। तो पार्क बना दे तो स्मार्ट हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा स्मार्ट, और धीरे धीरे चेंज होता है ना सब कुछ, अब एकदम से होगा नहीं। उन्होंने स्टार्टिंग तो करनी चाहिए, उन्हें स्टार्टिंग ही नहीं हुई है, वो तो कहाँ से मतलब होगा फिर। विशाल भाई जो बता रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? जाबिर खान सर। तो जाबिर खान, आप यहाँ पर दुकान करते हैं? जी सर। गाड़ियों वाड़ियों को सजाने वजाने? जी जी। तो सिर्फ गाड़ियाँ ही सजेंगी या शहर भी सजेगा आपका? अरे सर देखो, सस्ता नहीं सस्ता, ये सर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी का मतलब है एडीबी क्लियर होना चाहिए और मतलब पार्क वर्क होना चाहिए। ठीक, अच्छा होता तभी सब चीज होती है, जब कोई चीज अच्छी होगी तो हर आदमी को अच्छी लगती है सर। सर कोई चीज स्मार्ट सिटी का मतलब चार साल से स्मार्ट सिटी बनना है, अभी तक तो बने नहीं सर, बाकी देखते हैं क्या होता है सर। चुनाव में मुद्दा बनेगा स्मार्ट सिटी का? सर चुनाव का मुद्दा के गरीब को तो गरीबी में रोटी जो खाना है वही खाना है, जो करना वही करे गरीब आदमी, मुद्दा बने या ना बने, चुनाव अपनी जगह, स्मार्ट सिटी अपनी जगह, मजदूर आदमी मजदूरी अपनी जगह करेगा अपनी जगह। नहीं, विधायक सांसद से और सीएम आएंगे जब रैली में तो लोग ये मांगेंगे कि स्मार्ट सिटी का क्या? अरे सर स्मार्ट सिटी का तो तीन साल से बनना है, तीन साल से अभी तक तो कुछ बना नहीं है। तीन साल में क्या बना? अभी तक कुछ नहीं बना, ये झुमका बना दिया, ये जंगल में एलसीडी लगा दी 15 करोड़ की, ये कौन देख रहा है? कौन सी एलसीडी? वो सामने लगी तो लेफ्ट दिख रहा है, होम लिखा हुआ वो। जी जी, ये जंगल में कौन है स्मार्ट सिटी में? जंगल में एलसीडी देख रहा आदमी है, गरीब आदमी रोटी खाने को नहीं है, समझे, काम नहीं है, आदमी क्या करे? स्मार्ट सिटी घूमने जाएगा तो उसके लिए काम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, रोजगार है नहीं, क्या करेगा गरीब आदमी, कहाँ से स्मार्ट सिटी घूमने जाएगा? स्मार्ट सिटी तो यहाँ पर आप तो हाईवे पे बैठे हो। हाईवे पे तो सर फुटपाथ पे बैठे हैं, आज है कल नहीं है, काम ही नहीं, कहाँ जाए आदमी, चाय बेच रहे हैं बैठ के, क्या करें बताओ? तो अब क्या होगा चुनाव में आप लोग? चुनाव में तो सर देखो जो काम मूड, तो सर जो आदमी अच्छा काम करेगा वही अच्छा है करेगा, क्या तो हो गया? अब कहाँ सर हो गया, तीन साल स्मार्ट सिटी से गरीब आदमी। अरे सर सैलरी देने का टाइम आ गया, देखते हैं सर, जैसे सबका हाल वैसे हमारा धक्का लगा देंगे सर, क्या करें, जैसे ऐसे होगा है नहीं। बड़े भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम अभी है। अभी जी, अभी भाई क्या करेंगे इस बार चुनाव में? जो जनता जो अच्छे नेता वो चाहती है, जो नेता अच्छा है वो कोई सी। पिछली बार अच्छा आया था? हाँ सब बढ़िया आया था, बढ़िया था जी, तो उसने सब एकदम बढ़िया बढ़िया, हाँ बढ़िया, सब होके काम किया, सब होके काम किया, एकदम बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। आप तंज में बात कर रहे हैं, आप सही में बता रहे? न सही कह रहा हूँ, बढ़िया हो गया। अभीम साहब कह रहे हैं सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। आप तो गुरु चूना लगाते हो कान पे, आप भी चूना लगा के चले जाते हो? चूना क्या लगाते हैं? हरनाम सिंह नाम है मेरा। हरनाम सिंह? हाँ। तो आप तो पान की कटिया लगाते हो? क्या कटिया लगाता हूँ? चूना सिर्फ पान पे ही लगता है या? अब चूना क्या, चूना सब लगाते हैं, सब बगता चूना लगाते हैं लोग।
समझे, अब क्या कराया जा। जब मैंने यही कहा कि बड़े बड़े इस बार किसको चूना लगाएगी, अब देखो किसे चूना लगाया भाई, ये तो कह ही नहीं सकते। अब देखो किसे कैसे जनता क्या दिखाएं बताइए, कुछ दिखाने को है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे वोट लाल होंगे, किसका चूना लगेगा? हम तो ये चाहेंगे भाई, मजदूर आदमी हम तो, यहाँ पे बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं, माननीय संतोष जी भी हैं, 7 बार MP मंत्री रह चुके हैं, ये हमारे इंडस्ट्री एरिया है, इसमें 8 घंटे की ड्यूटी भी नहीं है, 12 घंटे मरने पड़ता है, 250-300 रुपए मजदूरी मिलती है लेबर। हाँ, सन 1999 से अब तक मैं 50 रुपए में नौकरी करता था 1999 में, और सन 2021 चल रही है, एंड हो रहा है, अभी भी 100-150 रुपए बढ़े हैं बस 12 घंटे में, वो भी प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्रियां हैं, इनमें 8 घंटे के 230 रुपए मिलते हैं, ये हिसाब है, बताइए क्या खाएगा आदमी। तो आपने वहां से रिटायरमेंट नौकरी छोड़ दी, फिर यहाँ नौकरी आप यहाँ? हाँ, यहाँ कर रहे हैं अपना, बस जो हो जाए बस। चुनाव में क्या रहेगा? चुनाव में देखते हैं भाई, मंत्री अब कौन बनता है, क्या क्या बता, मंत्री तो पहले तो विधायक बने, अब विधायक भी हैं, विधायक तो जो है जो भी होंगे वो अच्छे ही होंगे, क्या करें, सब जनता के लिए जो करें अच्छा है। स्मार्ट सिटी बन के ही रहेगी? आप बन के तो रहेगी फिलहाल, बरेली स्मार्ट सिटी तो बनी जाएगी किसी दिन। आपका नाम क्या है बाबू? जिसे मेरा नाम प्रमोद कुमार साहू है। प्रमोद बाबू, तो फिर आप यहीं के रहने वाले हो बरेली? जी जी। अपने शहर पे इतने साल में जो विकास डेवलपमेंट हुआ उसको देख के गर्व होता है या कुछ ऐसा लगता है कि यार कहाँ? सर पहले तो लोग ही सोच चेंज होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये रही। क्या सोच है? लोग सोच डाउन है सर, अभी भी सोच डाउन है जी। कुछ लोग सोचते हैं लड़कियों को अभी ना पढ़ाएं, बहुत से लोग की सोच अभी ऐसी है, और भैया ने कहा 8-12 घंटे की, कहीं की 14 घंटे की भी है इसमें, 200-200 रुपए में, वो भी 200 रुपए रोज की दिहाड़ी जी, वो 14-14 घंटे काम ले रहे हैं, वो भी 8-12 घंटे से लग रही है, 14 घंटे की हो रही है वो तो। इन सबसे अलग हटके अंदर हम देख रहे हैं एक पिता पुत्र हैं जो मोबाइल में लगे हैं और यहाँ इस झुमका पार्क में पहुंचे हैं, तो इनसे भी हम थोड़ी बातचीत करते हैं, और आइए अंदर ही आते हैं, थोड़ा यहाँ की फीलिंग लेते हैं कि ये पार्क का विकास क्या है जिसमें ये झुमका लगाया गया है। लोग बता रहे हैं 65 लाख का झुमका है ये। ये बताएं कि इधर तो बाकी सारे लोगों से बात की है, स्मार्ट सिटी के नागरिक होने जा रहे हैं आप लोग, कितना गर्व है अपने शहर पे? सर शहर अच्छा ही होगा तो बढ़िया ही लगेगा। तो अभी कैसा है गर्व करने लायक? देखिए बरेली पहले से ही सुंदर है, सुंदर है पहले, फेमस पहले से ही है, सब जानते ही हैं, नाथ नगरी है, आला हजरत भी है यहाँ, वैसे ही फेमस है, और अब तो जब स्मार्ट सिटी बन जाएगी तो और ज्यादा हो जाए फेमस। तो उम्मीद है कि कब तक बन जाएगी स्मार्ट सिटी? नहीं, इस बार कितने लगेगा काम स्मार्ट सिटी का? नहीं काम तो दिख रहा है, इस बार नहीं कह सकते कब तक पूरा हो जाए, दिख रहा है काम, ऐसा नहीं है। क्या क्या शुरू हो गया यहाँ? नहीं देखिए आप रोड वगैरह देखिए, सबसे बढ़िया तो रोड ही बनना है, आप यहाँ का देखिए सब ऐसी था रोड यहाँ का सिंगल, अब सवार सब हो गई है, हाईवे बन गया सब, शहर की अच्छी सड़कें हो गई, सब सब बढ़िया हो रहा है, सब काम सही हो रहा है, ठीक हो रहा है। बाकी टाइम तो लगता है रोजगार और शहर का कारोबार, ये सब देखिए सर ये तो चलता रहता है, रोजगार वगैरह सब चलते रहते हैं, हल्के फुल्के, कभी हल्के कभी तेज, अब आदमी तेज होता है काम तो ये तो कहेगा नहीं मेरा सीजन चल रहा है, तब भी कहेगा हल्का ही है, ये तो बेवकूफली बात है कि आज हल्का थोड़ा तो चलता ही, फर्क पड़ता भी है, सरकार बदलती है ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है सही चल रहा है। बरेली के युवाओं से, कारोबारियों से, छात्रों से, इन सब से हमने इसी बरेली के झुमका चौक पर बातचीत की है। अब बरेली के बाजार का झुमका तो अब पुरानी चीज हो गई, अब तो बरेली की बर्फी की बात करते हैं लोग, बराबरी की बात करते हैं, लेकिन शहर के लोगों को, अधिकांश लोगों को लगता है कि कोई नृप होई हम कहानी, दासी छाण न बनी है रानी, यानी अब इनसे ही बात की, इन्होंने कहा कि विकास चल रहा है, शुरू चल रहा है, स्मार्ट सिटी काम तो शुरू हो गया है, पूरा कब होगा ये देखते हैं। कई लोगों ने बोला कि अब हमारे बच्चों के टाइम में जाके पूरा होगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, कब बनेगा पता नहीं, लेकिन हाँ लोग ये सोच रहे हैं कि अब काम एक बार लिस्ट में नाम आ गया तो अब काम भी होगा।